मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स की पढ़ेंगे, वो है फ्रैक्शन। क्लास 7 आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया। देखिए फ्रैक्शन क्या है वो समझेंगे। फ्रैक्शंस वो होते हैं जो a by b के फॉर्म में होते हैं, नेचुरल नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a by b, वो फ्रैक्शन है। जैसे देखिए a by b, ये दोनों जो हैं वो होंगे नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, बताया था। तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे, और जैसे मैं एग्जांपल हम लिखते हैं 5/7, 5 इज अ नेचुरल नंबर, 7 इज अ नेचुरल नंबर, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। a by b के फॉर्म में ये रखते हैं ये फ्रैक्शन, जो कि इसमें फर्स्ट जो है ये 5 है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये है डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अंश और हर, हिंदी में अंश और हर कहा जाता है। फ्रैक्शन आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जोड़, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का घटाव, ये चीज आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा, फ्रैक्शन जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे फ्रैक्शन में आता है आपको डेसिमल फ्रैक्शन, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारे जो है क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। दैट मींस इसमें डेनोमिनेटर जो होगा वो डेसिमल नंबर का होगा, यानी कि जो आप इसमें लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, डेसिमल किसे कहते हैं, इसमें आप जानेंगे क्या। तो सबसे पहले यह कि आपने अभी जाना कि फ्रैक्शन है a by b के फॉर्म में, इसमें एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर होता है। तो कोई भी संख्या जो हम लिखते हैं a by b के फॉर्म में, उसमें कई तरह के नंबर सिस्टम से मौजूद होता है। जैसे मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल नंबर होते हैं, आपने पढ़ा है। यहाँ यूज क्या करेंगे हम, डेनोमिनेटर में जो संख्याएं होंगी वो आपको 10, 100, 1000 इस तरह के रूप में मौजूद होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका हम लिखते हैं 5/10, 2/100, ये सब डेसिमल नंबर में है, यानी कि ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर जो है उससे बड़ा हो। जैसे 3/5, 7/9, ये छोटी संख्या है इसके हिसाब से, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, अधिक होती है, और डेनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वो उसके मुकाबले कम होती है। 11/3, 15/7, 19/31, इस तरह से ये जो फ्रैक्शन में है ये इम्प्रॉपर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे 11/3 इसको हम डिवाइड अगर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 11 को, तो ये हम कैसे लिखेंगे इसे, इसमें एक रिमाइंडर बचेगा, कोशेंट होगी, तो कोशेंट रिमाइंडर का यूज होता है। यूं
इसको इनटू करते हैं, इसको प्लस करते हैं, आप जानते हैं, पढ़े हैं, 3 3 9 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 11 by 3, ये इस तरह से। तो ये जो है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। देखिए मैंने इसी को चेंज किया तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक अनलाइक में क्या है कि डिनोमिनेटर जितने होंगे वो सारे एक होंगे, उनकी वैल्यू एक होगी। जैसे अगर न्यूमरेटर चेंज करते हैं, कुछ भी लिख दिए न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा कि वो सेम डिजिट होगा। ये देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इसमें डिनोमिनेटर अगर सबका एक है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक में जस्ट अपोजिट कि कोई एक जैसा नहीं हो। 2 by 14, 14 by 5, 7 by 9, ये किसी का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ये हमने जाना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और फ्रैक्शन किस तरह से हम लिखते हैं, इसका फॉर्म क्या है, ए बाई बी के रूप में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से अगर फ्रैक्शन दिया रहे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दो तीन अगर फ्रैक्शन है आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो उन्हें किस तरह से किया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर रहेगा मल्टीप्लाई 3 by 5 into 7 by 6, देन क्या करना है मुझे? इफ अगर रिड्यूस होती है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे किया जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। उनको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारा 3 2 6 ऐसे हो गया, ये इससे ये डिवाइड हो जा रहा है। देन अब मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट मींस 7 by here is only 1 7 by 10। सेकंड एग्जांपल, इफ यू हैव माइनस साइन, अगर माइनस साइन होता है तो क्या करते हैं, -12 by 5 into -10 by 4, देन क्या करेंगे, हमारा जो इंटीजर से उससे वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, उससे वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद साइन जो है वो वही रह जाता है। जैसे 5 1 5 5 2 10, 4 1 4 4 3 12, ये साइन रह जाएंगे। लेकिन जब हम इसको इंटू कर रहे हैं तो साइन क्या होता है, जैसे चेंज होती है, तो आपको पता है, आप पढ़े हैं क्लास 6 में, आपको बताया गया था प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस के हिसाब से उसका रूल और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से उसका रूल, ये साइन को बता दिया गया था। और फ्रैक्शन का जो है हमारा वो मल्टीप्लाई करने का ये अभी बताया जा रहा है। तो इसमें माइनस और माइनस जब इंटू होते हैं तो प्लस साइन हो जाती है। 3 2 6 होगा, डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ 1 बचता है, इसलिए सिंपल सा 6 ये आपका यहां आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवाइड करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए डिवाइड करने के लिए, डिवीजन डिवाइड अगर दे दिया जाए, देन 12 by 5 divide 3 by 4, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आप पहले से पढ़े हैं, बोर्ड मास में पढ़े हैं और भी आप जानते हैं, नहीं तो ध्यान से देख लीजिए इसको किस तरह से चेंज करेंगे। 12 by 5, ये डिवाइड जो साइन है इसको हम लोग चेंज करते हैं इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। देन क्या होता है, इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर का जगह लेता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर का जगह ले लेता है, यानी कि ये क्या होगा 4 by 3, दैट मींस रेसिप्रोकल, ये उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाती है इसकी। तो इस तरह के बाद फिर आप जब ये इस तरह से फॉर्म में ये आ जाता है तब क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, 3 1 3 3 4 12
इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 16 5 16 बाई 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे आंसर इसके बाद भी हमारा ये हो सकता है 5 3 15 एंड 1 प्लस करते हैं 5 3 15 प्लस 1 16 बाई 5। ये तो ये हमारा फिर आंसर आ गया। यानी कि डिवीजन जो है डिवाइड करने वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि जो आपका डिवाइड का साइन दिया हुआ है उसके बाद वाला जो डिजिट है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जो फ्रैक्शन है a by b के रूप में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का जगह लेता है और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर का जगह ले लेता है। यदि आपके पास इसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, अगर माइनस का साइन दिया हुआ है साथ में तब हम किस तरह से करेंगे, तो बस चीजें वही हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको डालनी पड़ेगी पहले, जैसे 16 बाई 5 हम साइन को वही छोड़ देते हैं और उसके बाद से डिजिट को केवल चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहां से क्या होगा, माइनस एंड माइनस दैट मींस प्लस 8 7 56 बाई 56 बाई 5 देन ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर हमने उसको आंसर लिख दिया। यानी कि इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन का चैप्टर जो है आपका इसमें ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको आप बुक में अपने तरीके से अपने स्तर से भी उसको पढ़ लेंगे। सारे डेफिनेशन भी दिए हुए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन का, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सारे को आप देख लेंगे और उसके बाद से एक्सरसाइज को बनाएंगे। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो फिर आप हमें मैसेज कर देंगे, इससे आपका जो भी कुछ सॉल्यूशन दिक्कत देगा वो हम लोग अपने तरफ से क्लियर कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।